मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों की मौत हो गई है। वहीं दो बदमाश वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरा मामला बीती रात का है, जो बाग थाना के मगरता गांव से जुड़ा हुआ है, जहां उमेश पिता धन सिंह के नाम से कुख्यात बदमाश, जिस पर विभिन्न धाराओं में 20 से भी अधिक मामले पंजीबद्ध हैं, जो अपनी पत्नी को लेने मगरता पहुंचा था। वहां उसने पत्नी के परिजनों से मारपीट की, जिसके बाद पत्नी के परिजनों ने डायल 100 पर इसकी सूचना दी, जिस पर बाग पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देखकर बदमाश उमेश और उसके साथी फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने उनका पीछा किया तथा बदानिया गांव के पास पुलिस और ग्रामीणों ने इन बदमाशों को घेर लिया, जिसमें आमने सामने फायरिंग होने से दो अज्ञात बदमाशों की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं मुख्य अपराधी उमेश सहित बाकी बदमाश वहां से फरार होना बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल भी जब्त की है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जांच पड़ताल की। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। पिता धन सिंह नाम का अपराधी है, जो लिस्टेड बदमाश है थाना बाग का। इसके करीब 20 अपराध हैं। कुछ दिन पहले ये पुलिस पे भी फायर करके भागा था। कल शाम को करीब 9 बजे ये मगरदा गांव में इसका ससुराल है, वहाँ ये अपनी वाइफ को लेने गया। वाइफ ने जाने से मना कर दिया, तो उसने वहाँ पर उन लोगों के साथ मारपीट की और कुछ फायर किए। फायर करने के बाद इसने अपने अन्य दोस्तों को बुलाया और उसके लड़की के परिवार वालों ने डायल 100 पे कॉल किया करीब 9:20 पे, और थाने की डायल 100 और थाने की गाड़ी, इसमें कुछ ऑफिसर्स और स्टाफ तुरंत मौके पर पहुँचे। और मौके पर पहुँचने के बाद ये फायरिंग करते हुए वहाँ से भागे। वहाँ से आगे बंदनिया गांव से करीब 1 किलोमीटर के पास वहाँ लोकल विलेजर्स और पुलिस ने उनको घेरने का प्रयास किया। वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें इनके दो साथियों को गोली लगी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अभी उनका PM चल रहा है और पुलिस आगे जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर, अपराधियों का नाम देखिए, जो दो लोग अभी जिनकी डेथ हुई है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, और पुलिस उमेश को पकड़ने का प्रयास कर रही है। और उनसे स्पॉट से दो मोटरसाइकिल मिली है, जो एक मोटरसाइकिल मनावर से चोरी हुई और दूसरी मोटरसाइकिल भी संभवतः चोरी की है। सर, इसमें उमेश भी है क्या मृतक में? नहीं, उमेश अभी मृतक में नहीं है, वो फरार है। और स्पॉट से दो जो मृतक है उनके पास से दो अवैध हथियार मिले हैं। डायल 100 का फोन विलेजर्स ने किया? हाँ, उस पर ये समर नाम का व्यक्ति है, जो लड़की का मामा है, उसने फोन किया था। मरने वालों का नाम अभी मालूम नहीं पड़ा सर? नहीं, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.